नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग अपना बेहद खास कार्यक्रम आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। चर्चा करेंगे आज पैदा हुए लोग, 1 अगस्त को पैदा हुए लोगों के पूरे वर्ष का हाल क्या रहेगा। मेष से लेकर के मीन तक आपका पूरा वर्ष कैसा बीतेगा, हर राशि के लिए होता है ये। भले ही आपकी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन हो, लेकिन अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो आज मूल और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का चंद्रमा, आज केतु और शुक्र के नक्षत्र का चंद्रमा आपके लिए क्या सौगात पूरे साल लेकर आएगा, ये पूरी जानकारी भविष्यवाणी के रूप में आप तक पहुंचाएगा। सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दो राय नहीं कि ये पूरा साल आपके लिए ऐतिहासिक होगा, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस परम सत्ता से, उस प्रकृति की शक्ति से। शुरुआत करते हैं, आइए बताते हैं मेष 1 अगस्त को पैदा हुए लोगों के लिए पूरे वर्ष का हाल। सबसे पहले शिक्षा, पढ़ाई लिखाई के लिए ये पूरा साल आपके लिए कई प्रकार के उतार चढ़ाव लेकर आएगा। भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर महसूस करेंगे, भावनात्मक रूप से अचानक किसी न किसी तरह की परेशानी महसूस करेंगे, अचानक से कुछ तनाव आपका बढ़ सकता है, आपके लिए कुछ मुश्किलें आएंगी, आपके लिए कुछ तनाव हो सकता है। अगस्त पूरा महीना फिर भी पढ़ लेंगे, लेकिन सितंबर मानसिक तनाव देगा, अक्टूबर नवंबर स्वास्थ्य, और दिसंबर जनवरी पुनः किसी न किसी रूप से पारिवारिक विसंगतियों के कारण पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। व्यापार बताऊंगा मैं, लेकिन पहले शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी करेंगे आप, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, एक अलग तरह की ऊंचाई छुएंगे आप। मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए मेडिटेशन करना होगा। अप्रैल मई में कुछ खुशखबरी मिलेगी, कोई रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। जून जुलाई अचानक से कुछ तनाव पैदा कर सकता है, थोड़ा सा अपने आप को सावधान रखने की भी आवश्यकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ तनाव अपने दोस्त देंगे, पार्टनरशिप टूट जाएगी। अक्टूबर नवंबर कोई बिग लॉस की तरफ इशारा करता है। जनवरी फरवरी एक नई शुरुआत करेंगे, मार्च अप्रैल कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा, मई जून और जुलाई ये 3 महीना बाहर से कोई धन की स्थिति को सुदृढ़ करेगा। बिजनेस वाले जो 1 अगस्त को पैदा हुए हैं वो कहीं निवेश के लिए उचित समय तलाश सकते हैं इस वर्ष। आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। वर्तमान नौकरी जो अभी 6-7 महीने पहले आपने ज्वाइन किया है, इसमें समस्याएं बढ़ सकती हैं। नौकरी में कुछ इस प्रकार की स्थिति आ सकती है जो आपके लिए तनावपूर्ण पैदा करे, तनाव की स्थिति पैदा करे। आपको बहुत सहज और अच्छे से रहना होगा। आपको कुछ बहुत सकारात्मक व्यवहार करना होगा। आपके लिए कुछ बहुत शुभ सोचना होगा। यही आपको एक तरह से लेकर कदम बढ़ाना होगा, सोच समझ कर, विचार करके। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नौकरी में बाहर से ऑफर अक्टूबर नवंबर में आ सकता है, फरवरी मार्च कहीं मकान में निवेश कर सकते हैं, अप्रैल मई शादी की बात अगर आपको आ रहे हैं तो फाइनल हो सकती है, जून जुलाई कहीं बाहर की लंबी यात्रा, सुखद यात्रा की संभावना है। सरकारी क्षेत्र के लिए कुछ स्थितियाँ हाथ से निकल रही हैं, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सरकारी क्षेत्र में कुछ व्यक्तिगत कारणों से आप नौकरी में मन नहीं लगा पाएंगे। हाँ, मकान का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, संतान के दायित्वों की पूर्ति होगी, कुछ बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके साथ जुड़ने जा रही हैं, जिसको लेकर के आप बहुत दिनों से सोच रहे थे। गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपका वो सारा काम संपन्न हो जाएगा अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में, और 1 अगस्त को आपका जन्मदिन आता है। दाम्पत्य जीवन के लिए अगर मैं विचार करूं तो दाम्पत्य जीवन बस ये समझिए कि अब सकारात्मक होगा। अब तक की उलझन अगस्त सितंबर 2020
मतलब आज एक तारीख है, एक महीना और, इन दो महीनों में बहुत सकारात्मक और सहज रहेगा, किसी तरह की विशेष परेशानी नहीं आएगी। यह आपके लिए बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाने वाली बात है। दिसंबर जनवरी थोड़ा सा मानसिक तनाव होगा, दाम्पत्य जीवन में सेपरेशन की स्थिति फिर से एक बार आएगी, बड़ों का हस्तक्षेप ले लीजिएगा। अप्रैल मई आते आते सब सामान्य हो जाएगा। अक्टूबर फरवरी मई संतान सुख के लिए, जून जुलाई बाहर लंबी यात्रा के लिए। लव लाइफ की स्थिति थोड़ी उठापटक के साथ चलती रहेगी। फरवरी में कुछ सेपरेशन की स्थिति बनेगी, मार्च में भी थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन जून जुलाई आते आते सब कुछ बहुत सामान्य हो जाएगा और हर लिहाज से एक तरह से आप कदम बढ़ाएंगे और मजबूती ले आएंगे। ये आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। अब बात कर लें अगर हम खास तौर पर स्वास्थ्य के मामले में, तो पेट से पूरे साल परेशान रहेंगे, आँख बैक की प्रॉब्लम, घुटना कमर की दर्द, ये सब थोड़ा बहुत रहेगा। पुरानी मेजर जो बीमारियाँ थी वो धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी, तो इसको लेकर के आपको कहीं से भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको उपाय बता देता हूँ। दो पीपल के पौधे कहीं पश्चिम दिशा में लगाना है। बच्चे छोटे हों तो उनकी जगह माता पिता कर सकते हैं और दो बच्चों की शिक्षा में मदद करना है। जिनकी आज शादी की सालगिरह है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तीन बच्चियों की शादी में मदद करके दो लोगों को कच्चा दूध का दान कर दें और फिर देखें कितनी शुभता आपको मिल जाएगी, कितना बेहतर अंश आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, ये प्यार हमारे साथ यूं ही आप साझा करते रहिएगा, मोहब्बत बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। घर बैठे कुंडली दिखाने के लिए और तत्काल कुंडली, अर्जेंट बेसिस पे कुंडली दिखाने के लिए मात्र 5100 रुपये फीस है। आज जमा करिए, विद इन 2 डेज आपका नंबर आ जाएगा, अदरवाइज 22 से 25 दिन लग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, 9560447000, 9910291850 पर आप कॉल या व्हाट्सअप तुरंत करिएगा, अर्जेंट लिख करके। नमस्कार, श्री राधे।